मोटिव फोर्स विद अवर मैग्नेटोमोटिव फोर्स. सो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वी हैव ईएमएफ एंड इन मैग्नेटिक सर्किट वी हैव एमएमएफ. ओके, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट इज फ्लोइंग, इन द मैग्नेटिक सर्किट फ्लक्स इज फ्लोइंग. एम आई ऑडिबल टू यू प्रॉपरली और शुड आई चेंज माई माइक्रोफोन? माइक्रोफोन इज परफेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रेजिस्टेंस R in the electric circuit, and in our magnetic circuit we have reluctance. Okay, now if we see that we need an electrical conductor to allow the flow of electrons. Okay, so if electrons has to flow from high potential to the low potential, we require a conductor. But for magnetic field there is no as such any requirement. The magnetic material will act as a conductor, but if there is that magnetic material is not available, even the air will also act as a conductor and magnetic flux will flow through the air also. Say for example, अगर हमने ये जो वायर यहाँ पे है, ये कंडक्टर जो है, इसको अगर हमने ब्रेक किया तो करंट फ्लो होना रुक जाएगा. ओके, एंड यहाँ पर समझो हमने इस कोर को ब्रेक किया, ये जो कोर है उसको हमने कट किया और उस दोनों के बीच में अगर एयर गैप है तो स्टिल मैग्नेटिक सर्किट इज गोइंग टू कंप्लीट. तो ये पॉइंट आपको समझ में आया क्या? जस्ट टेल मी यस इन द चैट बॉक्स. परफेक्ट, परफेक्ट, ओके. सो दिस पर्टिकुलर कंपैरिजन, दिस पर्टिकुलर एनालॉजी वी आर गोइंग टू लर्न टूडे. सो मूविंग अहेड विद दिस, I hope you have done with the formulas in this particular slide. Moving ahead with the solenoid. So what do you mean by solenoid? Say for example, as we seen that this electrical circuit and magnetic circuit. So this is the example of magnetic circuit. Magnetic circuit किस तरह से काम करता है? Magnetic circuit के application क्या है? अगर ऐसे आपके दिमाग में सवाल आता है तो ये इसका answer है. Solenoids are something which is converting an electrical signal, electrical energy into mechanical movement with the help of magnetic principles, magnetic you can say properties. किस तरह से काम करता है? We have a coil, जैसे हमने coil देखा था, coil and we have a core or the frame. So because of the frame and the coil, there is a electromagnetic field, and that electromagnetic field is created by this particular electrical कनेक्शन. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से आपका कॉइल जो है वो एनर्जाइज होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये प्लंजर को अपने तरफ खींचता है. जब तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया है, सिग्नल अवेलेबल है, ये आपको क्या करता है, ये प्लंजर को खींचे हुए अवस्था में रखता है. उसके बाद जब हम ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन या इलेक्ट्रिकल सप्लाई को निकाल देते हैं, इट विल रिलीजेस दिस प्लंजर बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. एंड देन ये जो x यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये x वो डिस्टेंस है जितना आपके प्लंजर का मूवमेंट हो सकता है, या उतना प्रपोर्शन में आपने जितना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहाँ पे दिया है उसके प्रपोर्शन में ये जो मूवमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. नाउ दिस पर्टिकुलर सोलेनोइड कैन बी कंसिडर्ड एज अ वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर योर मैग्नेटिक सर्किट, इन विच देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स लाइक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा. This is the long straight conductor. It is creating a magnetic field around it. If there are two conductors, then two conductors will interact with each other. Now there are two school of thoughts. One is like when there is a two conductors having its own magnetic field, they will interact with each other. So one thought is like it will create a conversion of electrical energy into mechanical energy as the force is exerted on the that particular another wire. और ये जो आपको wire दिख रहा है I2 जिसमें से जा रहा है, ये दोनों में magnetic field है और इन दोनों में current भी flow हो रहा है और इन दोनों का अपना एक direction है flow का, current के flow का direction है, right? So according to these two are going to interact with each other and they are going to develop an force. एक mechanical force जो है वो develop यहाँ पे होने वाला है और वो जो मैकेनिकल फोर्स है वो आपके दो तरीके से हम उसे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. वन फोर्स
वो है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में फोर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, और दूसरा जो है इफ यू गो अपोजिट टू दिस देन मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसे हम बेसिकली यूज करते हैं फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक मोटर में, एंड सेकेंड केस में वी आर यूजिंग इट फॉर द इलेक्ट्रिकल जनरेटर। सो दिस इज द वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, इसे राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल भी कहा जाता है। सो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड फॉर इलेक्ट्रिकल जनरेटर, लेफ्ट हैंड फॉर इलेक्ट्रिक मोटर, तो क्या है वो आपको फाइंड करना है। ओके, नाउ सोलिनॉइड के बारे में बता रहा था मैं, दैट इज अनदर एग्जांपल। एंड जैसे जिस तरह से सोलिनॉइड काम करता है ओनली फ्रंट एंड बैक, सिमिलरली वी हैव सम सर्कुलर कॉइल्स ऑल्सो। कैन यू सी हियर, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑफ अवर मैग्नेटिक सर्किट्स। तो पहले हमने मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में देखा, इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ किस तरह से वो एसोसिएटेड है। जैसे अभी इलेक्ट्रिकल में हमारे ओम्स लॉ है, जैसे हम रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिमिलरली हम मैग्नेटिक सर्किट में भी रिलक्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम फ्लक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड जो हमारे दिस पर्टिकुलर सर्किट का डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम कितना करंट उसमें जा सकता है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें जा सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पे डेंसिटी क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जहाँ पे एयर गैप है वहां पर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक सर्किट आपका बिहेव करेगा, ये सारी चीजें हमें आज के लेक्चर में सीखनी है। सो आई होप यू ऑल आर रेडी टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रेडी टू लर्न। Perfect. Yes, all are ready. Right. So there are 18 students right now. Perfect. So moving ahead with this. So this is, we call it as a circular coil, magnetic circuit. And next is how we are going to connect this particular circular coil to the different types of magnetic circuits, like your series magnetic circuit. But before going to that, I want to tell you, do you think this particular circular coil will have its own dimensions, and which dimensions it will have? Just type in the chat box. ये जो coil दिख रहा है आपको, ये coil के क्या क्या dimensions हो सकते हैं? Now this is circular coil. तो circular coil का सबसे पहला dimension क्या होता है? उसका radius, right? Yes or no? Yeah, diameter. Yes, radius या फिर diameter. What next? Area. Area कौन सा area? So cross section area. So if we cut this here, तो ये क्या होगा? एक circular होगा, तो उसका cross section area. Now you all can be considering this particular circular coils with the help of bangles. आपके mom के sister के जो bangles है उसको अगर आप consider करेंगे तो just tell me in the chat box, क्या ये जो bangles होते हैं, क्या वो उसका जो diameter है या क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्या वो टोटली सेम रहता है? आई हैव अगेन समथिंग फॉर यू। तो अभी मेरे पास एक ये क्या बोलते हैं इसको, ये मेडिकल टेप है बेसिकली, एंड मेडिकल टेप का ये सर्कुलर बॉबिन है, जैसे बॉबिन पकड़ लो आप, ठीक है? तो इसका डायमेंशन अगर मैं देखूंगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको अगर मैंने बीच में से काट दिया तो दिस पर्टिकुलर बॉबिन विल हैव द सेम डायमेंशन, सेम एरिया। Do you agree with me? Throughout the circular shape, इसका पूरा जो circular shape है, उसका dimension same रहेगा। Okay. But now, if we have a certain degrees, a certain angles, मतलब अभी समझो यहाँ 0 degree, 0 है यहाँ पे, and 0 से लेके 90 तक समझो, 0 to 90, इतना, ये इतना बड़ा है, उसके बाद इससे वो डबल हो जा रहा है और बड़ा। सो 90 टू 180 तक और डबल हो रहा है, और 360 तक वापस वो 3 times बड़ा हो रहा है उसका डायमेंशन। सो इज इट पॉसिबल फॉर दैट मैग्नेटिक फ्लक्स टू मेंटेन इट्स फ्लक्स डेंसिटी?
बिकॉज फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिकॉज फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन द एरिया. सो एरिया धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स डेंसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगा इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा. तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट जो हम सीखने वाले हैं दैट इज सीरीज मैग्नेटिक सर्किट जो इसको हम कहते हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस कॉइल देर इज अ पर्पल कलर मैग्नेटिक फील्ड विच इज शोन हियर एंड इन बिटवीन देर इज नो एनी मैग्नेटिक मटेरियल, देर इज अ एयर. सो यू कैन सी इन द एयर द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. बराबर, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है आपको एंड जैसे ही वापस वो आपके व्हाट यू कैन से मैग्नेटिक मटेरियल में एंटर करते हैं तो अगेन वो स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में एक ही प्रॉपर लेन फॉलो करके जा रहे हैं. ये समझ में आया आपको एवरीवन? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स में क्या बोलना चाहता हूँ. परफेक्ट परफेक्ट ओके. सो कीप योर पेपर पेन रेडी, नोटबुक रेडी एंड we are going to write down these formulas very important in the same manner jis tarah se aapko yahan pe table dikh raha hai we have to write down in our notebook apne apne notebook mein ye likhiye abhi ke abhi magnetic flux density iska unit hai tesla webers per meter square same magnetic jo quantity hai usko electrical circuit ki quantity mein kya bolte hai current density jo hota hai joules mein एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ओके, सेकेंड क्वांटिटी है, पैरामीटर है मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर. इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो क्वांटिटी क्या बनता है, करंट. मैग्नेटिक सर्किट में वी हैव मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, यूनिट है एम्पियर पर मीटर. यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, वोल्ट पर मीटर. ओके, नेक्स्ट वी हैव एमएमएफ. एमएमएफ का मैग्नेटिक जो ईएमएफ है और यहाँ पे क्या है, ईएमएफ है. ओके, देन वी हैव रिलक्टेंस, हियर वी हैव रेजिस्टेंस, हियर वी हैव परमियंस. परमियंस का ये एच और ये एच में थोड़ा फर्क है, ये ध्यान में रखो. परमियंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस. कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, ससेप्टेंस. देन वी हैव परमियबिलिटी म्यू एंड हियर वी हैव कंडक्टिविटी. तो रेजिस्टेंस के चैप्टर में हमने इसको सारे डिटेल में पॉइंट्स को पढ़ा था. अभी इसका जो भी लॉजिक है सेम लॉजिक हमें मैग्नेटिक सर्किट के क्वांटिटीज के लिए अप्लाई करना है. ओके, सो जस्ट जिस तरह से टेबल बनाया है उसी तरह से आप क्या कीजिए, अपने नोटबुक में इसको ड्रॉ कीजिए. व्हेन यू डन जस्ट टाइप डन इन द चैट बॉक्स. ओके परफेक्ट. सो अभी ये पर्टिकुलर जो भी पैरामीटर्स है उसको हमें अभी हमारे एक्चुअल न्यूमेरिकल्स में यूज करना है. सो आई होप यू ऑल आर रेडी टू यूज दिस ऑल पैरामीटर्स. सो वी विल सी नाउ द सीरीज कनेक्शन इन द मैग्नेटिक सर्किट. इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है. इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने सेम पर्टिकुलर मैग्नेटिक सर्किट को क्या किया है, चेंज किया है. कैसे, the applied mmf is equal to the sum of the mmf dropped across each. hello hello okay so we have seen ye chal raha hai. okay is it visible now, audible properly? hello okay okay so in this the applied mmf is equal to the sum of the mmf dropped across the each series element while the flux through each series element is the same. jaise hamare paas इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या था कि हमारा जो ईएमएफ है वोल्टेज ड्रॉप है और करंट है. करंट जो है वो हमारे सीरीज सर्किट में से क्या हो रहा था, सेम फ्लो हो रहा था, इक्वल फ्लो हो रहा था, राइट. बट जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या हो रहा था, अलग अलग था रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक मटेरियल है, कोर इज वन मटेरियल. सो वी हैव लेंथ ऑफ दिस कोर विथ अस एंड वी हैव लेंथ ऑफ दिस गैस और यू कैन से लेंथ ऑफ दिस गैप विथ अस. So there should be some resistance offered by the core. ये जो कोर है, C-O-R-E कोर है, ये कोर का कुछ रेजिस्टेंस रहेगा और ये आपका ये जो एयर गैप है उसका कुछ रेजिस्टेंस रहेगा. ओके, तो अभी यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में क्यों इसको बात कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट राइट नाउ एंड वी आर ट्राइंग टू लर्न दैट यस मैग्नेटिक सर्किट में भी सिमिलर चीजें होती है.
and we are able to calculate that. So now this R represents your reluctance, and we need to call for this total सीरीज में जितने जितने हैं रेजिस्टेंसेस रिलक्टेंसेस एंड आपका MMF, ये सारों को हमें क्या करना है, सबको कैलकुलेट करना है. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू फाइव आर इक्विवेलेंट. आर इक्विवेलेंट का मतलब है ये दोनों के R को क्या करना है, हमें ऐड करना है बिकॉज दे आर इन सीरीज. तो फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे लिख के रेडी है किस तरह से हम इसको इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के साथ कंपेयर करने वाले हैं. Ri is nothing but your reluctance. कितना reluctance इसको हम provide करने वाले हैं total circuit में, या फिर circuit के dimension के according किस तरह से ये जो area है, this is area of a core, area of the air gap, this is the length of the, जैसे हमने rho is equal to R is equal to rho L by A किया था, बस similar ही यहाँ पर है. I hope you are able to correlate that with this. Am I correct? आप correlate कर पा रहे हैं यहाँ पे किस तरह से हम electrical circuit के साथ इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. Are you getting my point? Okay, perfect. So just draw this circuit in your notebook and then we have to solve one numerical related to this. Okay? So just draw this circuit also and this equivalent circuit also and this formula also. Now what do you mean by F? Here, F हमारे पहले इसमें दिया था, this is MMF, okay? So MMF की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको total flux multiply by उनका reluctance, ये हमें जानना जरूरी है, okay? I'm going to share this presentation with you also later on, but right now you just spend 1 or 2 minutes to draw it, okay? Perfect, done. हो गया आपका. ओके ओके. सो मूविंग अहेड विद दिस, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. सो बिफोर दैट वी हैव आल्सो पैरेलल कनेक्शन, बट इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है जनरली, व्हाट वी कैन से वेरी कॉमन यूसेज नहीं है, सो उसको हम बाद में देखेंगे. सो लेट्स सी, दिस इज अ सॉल्व न्यूमेरिकल. अ रिंग ऑफ 30 सेंटीमीटर मीन डायमीटर. नाउ व्हाट डू यू मीन मीन डायमीटर? मीन डायमीटर उसका जो आपका सर्कल है उसका एवरेज अगर लिया हमने, दिस इज अ मीन डायमीटर. एंड सिलिंड्रिकल आयरन रॉड. सिलिंड्रिकल आयरन रॉड का मतलब क्या है? वी हैव द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया. डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर. अभी ये कौन सा दिया है? यहाँ का डायमीटर दिया है. ओके, दिस डायमीटर. अच्छा, ये इसमें पॉइंटर नहीं होगा ना? आपको मेरा ये दिख रहा है क्या? माउस पॉइंटर दिख रहा है? हेलो, माउस पॉइंटर दिख रहा है आपको पीपीटी के ऊपर? हेलो, आपको क्या आवाज नहीं आ रही है मुझे? पॉइंटर दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन पे? ओके ओके, ठीक है. तो यहाँ पर जो 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर बोला है, वो डायमीटर आपके यहाँ का है, मतलब यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका ये डायमीटर है. एंड 30 सेंटीमीटर जो मीन डायमीटर दिया है, दैट इज ऑफ द टोटल रिंग का जो डायमीटर है वो है. ओके, परफेक्ट. सो नाउ यू सी अ सॉकेट 1 mm वाइड. अभी इसका डिस्टेंस भी दिया है 1 mm. एंड देन आफ्टर दैट वी हैव एयर गैप ऑफ दिस 1 mm. ओके, इतना डेटा हमारे पास है. नेक्स्ट डेटा पार्ट में क्या दिया है? द कॉइल विद 500 टर्न्स. 500 टर्न्स दिया है, एन दिया है हमारे पास अभी. एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फ्लक्स 4 mW इन द रिंग. तो फ्लक्स दिया है हमारे पास, डायमेंशंस दिए हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी दिया है 800 यूज करने के लिए, और लीकेज फ्रिंजिंग ये सब निगलेक्ट करने को बोला है. लीकेज मतलब क्या? यहां से ऐसे बाहर से जब मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होता है तो उसे क्या बोलते हैं? लीकेज बोलते हैं. मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ और यहाँ से किसी दूसरे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपना फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है. ओके, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लीकेज हो रहा है. एंड यहाँ पे जो एयर गैप है, ये एयर गैप में ये फ्रिंजिंग जो बोलते हैं वो फ्रिंजिंग होता है. ये दोनों कॉन्सेप्ट हम आगे देखने वाले हैं डिटेल में. तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना है हमें. एरिया इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस कॉइल.
Similarly, this area will be effective for your 1 mm air gap also. Do you all agree with me? Perfect. So next we have, first हमने क्या किया? Area find किया. Area के लिए 0.025 क्यों लिया? Because we have to converting this 2.5 centimeter into meter. और meter का square और pi का value. तो ऐसा करके हमें area मिल गया. Flux density find करना है. Flux हमें पता है. अभी area भी पता चल गया. तो हमें फ्लक्स डेंसिटी मिल गई, ओके? अभी फ्लक्स डेंसिटी के बाद हमारे पास क्या चाहिए? एयर गैप फाइंड करना है. एयर गैप के लिए म्यू जीरो दिया है. म्यू जीरो हमें एयर का पता है 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7, ओके? इसको यूज किया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ H1. H1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो एयर गैप में कितना रहेगा ये हमें पता चला. अच्छा, L1 क्या है हमारे पास? 1 mm है. 1 mm को मीटर में कन्वर्ट किया, ओके? नाउ वी हैव टू फाइंड द MMF अक्रॉस द एयर गैप. सो F1 इज इक्वल टू H1 L1. तो H क्या है? यहाँ पे मिला हमें. L क्या है? यहाँ पे मिला. सो H1 L1 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ F1. नाउ F1 इज इन द फॉर्म ऑफ NA. NA मतलब क्या? NA मतलब क्या है? N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, A फॉर एम्पियर्स. तो उसका यूनिट क्या बनेगा? एम्पियर टर्न्स, ओके? उसके बाद वी हैव टू कंसीडर द आयन रिंग. आयन रिंग क्या है हमारे पास? यहां से लेके टोटल यहां तक है. सो वी फर्स्ट रिक्वायर्ड द लेंथ. लेंथ क्या है आपका? सर्कमफेरेंस है. कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस इन द चैट बॉक्स? अमोल क्या हुआ, आपका म्यूट नहीं हो रहा है क्या? अमोल आंसर है. वन मिनट सर. ओके, सो टेल मी द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस इन द चैट बॉक्स. वेरी सिंपल, पाई डी. यस, पाई डी और 2 पाई आर. इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. यस, परफेक्ट. सो यूजिंग दैट फॉर्मूला वी गेट द वैल्यू ऑफ L2. ओके, यहाँ पे पाई डी डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे, यहाँ पे 2 पाई आर लिया उन्होंने. So we have the value of 0.94 meter as a length to ये दूसरा जो आपका आयन कोर का जो एक पाथ है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए उसका क्या है लेंथ हमने अभी कैलकुलेट किया L2. सिमिलरली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा कोर के अंदर उसका भी हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है B/μr. μ0 सेम रहेगा बट वी हैव रिलेटिव परमेबिलिटी of the iron is given, that is 800. So we are going to use this here, 800 multiplied by the mu 0, okay, that is 4 pi 10 to the power minus 7. Then we have value of H2 ki value mili hame, and then we get the value of H2L2 ko value mila ke hame 7.6 ye mila for our MMF through the core. तो अभी हमारे पास दो MMF है. एक है आपका MMF बोलने से अच्छा है we can say drop, okay? क्योंकि ये क्या है आपका सोर्स नहीं है. सोर्स कहाँ पे है? करंट और टर्न्स. यहाँ पे जो करंट और टर्न्स दिख रहे हैं आपको ये बेसिकली सोर्स है और यहाँ पे क्या हो रहा है? कंजम्पशन हो रहा है, okay? So we have total MMF is equal to F1 plus F2. तो F1 plus F2 किया, दोनों का एडिशन किया, we get the value. अच्छा, ये क्या है? We have 10 to the power 3. यहाँ पे आया 10 to the power 4. एक पॉइंट यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट किया आगे, so we got 10 to the power 4. So now current find करना है. current के लिए काफी important है हमारे पास ampere turns. ये जो formula है MMF का, तो उसमें हमने MMF तो find कर लिया, हमारे पास टर्न जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है 500 टर्न्स. तो 500 टर्न्स को इससे क्या किया? F को डिवाइड किया. जैसे डिवाइड किया वी गेट द वैल्यू ऑफ करंट I 28.24 एम्पियर. सो आई होप दिस ओवरऑल जो सीरीज सर्किट है जिसमें हमें दो अभी यहाँ पे कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक मतलब एयर गैप वाला और कोर वाला. सो इसको आपको नोट डाउन करना है. आई विल शेयरिंग दिस PPT विथ यू इन द स्टडी मटेरियल. तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी लिखना है और इसका जो सॉल्यूशन है
वो भी लिखना है. सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको. यू हैव ऑलरेडी द फॉर्मूलास, यू जस्ट हैव टू यूज देम. परफेक्ट, इतना समझ में आया? ओके. एक और न्यूमेरिकल है, वो भी आप क्या कीजिए, एज अ होमवर्क करके कंसिडर कीजिए. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिलक्टेंस. जो हमने अभी इस सर्किट में देखा, रिलक्टेंस किस तरह से काम करता है, रिलक्टेंस का फॉर्मूला किस तरह से हम डिराइव करते हैं. वी हैव द अपोजिशन टू द मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा है उसको अपोज करने का काम करता है ये. ये रिलक्टेंस जो है ये हमें आपके मैग्नेटिक फील्ड का जो पैरामीटर्स है, मतलब मैग्नेटिक कोर हो सकता है, एयर गैप हो सकता है, या फिर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भी हो सकता है, या कोई सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट या सपोर्टिंग डिवाइस भी हो सकता है, ये हर किसी का रिलक्टेंस हमें पता करना जरूरी है. ओके, आगे बढ़ते हैं. सॉल्व एग्जांपल हमने देखा अभी. ये न्यूमेरिकल आपके नोटबुक में अभी लिखो और इसको आप खुद सॉल्व करो. कैन यू सॉल्व इट? टाइप यस इफ यू कैन. यहाँ पे देखना है आपको कि इसमें आपका कोई एयर गैप नहीं है, तो ये थोड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है. ठीक है, हेलो, हुआ क्या? आई वॉज जस्ट शोइंग दिस आंसर टू यू ऑल्सो. यस, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, डन और नॉट. रिलक्टेंस को किस तरह से कैलकुलेट किया है, जस्ट सी इन द फॉर्मूला. हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू प्रॉपरली? हेलो, हुआ क्या फिर, ये लिख के हो गया क्या आपका? आर यू राइटिंग? आर यू सॉल्विंग? व्हाट इज द स्टेटस? एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा. एवरीवन, कितना टाइम हुआ अभी से? 4, 5, 6, 8 मिनट हो गया. 8 मिनट लगता है इतना सा राइट करने को. एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा. सब लोग कैमरा चालू करो. ओके, परफेक्ट. सो यू हैव द फॉर्मूलास. फॉर्मूलास को यूज कैसे करना है, ये जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा. एक बार सॉल्व करने से नहीं होगा, 2-3 बार सॉल्व करके देखना होगा आपको, आपको किस तरह से ये फॉर्मूलास को यूज करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर. Should we wait for 2 more minutes for others to complete? Everyone done? Hello. Okay. Yes, so ठीक है, आगे बढ़ते हैं. I think there are some students आज कुछ active नहीं दिख रहे. क्या problem है? Everyone just type yes in the chat box. Let's see how many are online actually. Aditya, Soham, Amul, चैतन्य, महेश, सोहम. बस बाकी ये लोग क्या कर रहे हैं. चलो एवरीवन स्टार्ट योर कैमरा. लेट मी सी हु ऑल आर एक्टिव. एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा फर्स्ट. कीप योर कैमरा ऑन एवरीवन. कीप योर कैमरा ऑन, कोई दिक्कत नहीं है. सीख ही रहे हम लोग सब लोग. ठीक है, बाकी लोग का क्या है? ठीक है, जो एक्टिव है वो लोग तो वैसे भी अटेंड करेंगे एनीवेज. सो आगे बढ़ते हैं. दिस पर्टिकुलर एग्जांपल्स आर लाइक थ्योरी पेपर में, इफ इट इज अ रिटन एग्जाम दे आर गोइंग टू टेक यू सम टाइम. सो ऑनलाइन एग्जाम्स है तो उसमें भी ऐसे कुछ आपको सवाल पूछे जा सकते हैं जो टाइम आप पेपर पे सॉल्व करना जरूरी है. तो फॉर्मूलास पे ध्यान दीजिए. नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जाम्पल, बट उसको हम बाद में देखेंगे. We'll go to the next topic, that is called as a magnetization curve. Okay, so now what do you mean by magnetization curve, everyone?
Anyone? Can someone read out? Screen पे आपको जो दिख रहा है क्या कोई जोर से रीड करेगा अनम्यूट करके खुद को? या गो एड अमोल. The BH or magnetization curve gives the relation between flux density B and field intensity H. It is not a straight line as naively expected from the relation B equals to and is actually non-linear as the permeability typically depends on the applied field strength H. The complete The complete cube curve is usually described as a hysteresis loop. The area contained within a hysteresis loop indicates the energy required to perform the demagnetized process. So in this we can see that BH curve या magnetization curve जो है ये हमें इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड का जो इंटेंसिटी है उसका जो स्ट्रेंथ है उसमें क्या रिलेशन है. सो फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो अगर बढ़ गया तो डेफिनेटली देयर विल बी अ मोर नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंड एरिया जो है वो आपके एज पर कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा तो जो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी बढ़ेगा. अभी ये दोनों चीजें आपके मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस एंड डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस ये दोनों पे डिपेंड है. ओके मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या? योर नॉर्मल आयन कोर आयन मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट. और डीमैग्नेटाइजेशन मतलब क्या? जो ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको हम क्या कर रहे हैं? वापस नॉर्मल आयन की तरह कर रहे हैं. सो नाउ सेकेंड पॉइंट जो हमने देखा कि यहाँ पे दिस इज नॉट अ लीनियर. लीनियर का मतलब क्या है? वी हैव A straight line curve between the B and H, but ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? Because जो आपका mu है, mu is nothing but your permeability, वो depend होता है आपके strength के ऊपर. Magnetic field का जो strength है, उस पे depend होता है. तो वो अगर change हो रहा है, उसके according आपका mu change होगा. Mu change होगा, जिसको हम constant of proportionality भी कहते हैं, तो वो भी change होगा. And then accordingly this BH curve will be change. अभी देखते हैं कि ये BH कर्व से हमें पता क्या चलता है, किस तरह से ये कर्व होता है और इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो समझते हैं. तो सबसे पहले सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा है हमें सिलिकॉन स्टील, देन वी हैव माइल्ड स्टील, देन वी हैव अ कास्ट आयन. नाउ दिस फर्स्ट इज B वर्सेस H. तो आपका फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये दोनों का क्या है यहाँ पे रिलेशन है. After that we have the inverse curve किसे कहते हैं? जिसमें एक पैरामीटर बढ़ने के बाद दूसरा पैरामीटर कम होने लगता है तो वो है आपका mu r versus h. mu r is your relative permeability, h is your magnetic field strength. तो जैसे जैसे magnetic field strength बढ़ता जाएगा आपका relative permeability जो है वो क्या होगा? कम होते जाएगा. Now you also know b is equal to mu 0 mu r h. तो यहाँ पे ये mu r और h क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं. मल्टीप्लीकेशन में दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहेगा बिकॉज दिस पर्टिकुलर जो आपका mu r एंड h जो है वो दोनों क्या रहेंगे वहां पे? मल्टीप्लीकेशन में रहेंगे. तो mu r अगर कम हो रहा है तो h वहां पे प्रोपोर्शनली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम ही होगा. सेम मतलब नियर बाय सेम होगा. एंड लास्ट वन जो है that is related with your mu r and b. b is for your flux density. तो ये तीनों को हमें, तीनों curves को हमें एक साथ देखना है in terms of the magnetization and demagnetization process or we can say the cycle of magnetization. So just everyone type cycle of magnetization in the chat box or also give a heading in your notebook. Cycle यहाँ पे आपको दिख सकता है ये साइकल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ये अभी हम देखने वाले हैं. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट किस तरह से करने वाले हैं वो अभी देखते हैं हम लोग. एक्सपेरिमेंट में क्या क्या होता है? इफ यू गो अलोंग विद द कॉइल
कॉइल को हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया है हमारे वाइंडिंग को, तो क्या हो सकता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो सकता है. नाउ वी हैव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल करंट. सो वी हैव एम्पियर टर्न्स. व्हाट वी विल हैव? एम्पियर टर्न्स. तो डीमैग्नेटाइजेशन जो है आपका, जैसे कि मटेरियल है आपके पास जिसमें कोई भी मैग्नेटिक अट्रैक्शन रिपल्शन करने का कोई भी फोर्स अभी नहीं है. इट्स अ कंप्लीटली वी कैन से द आयरन पीस ओनली, और वी कैन कॉल इट एज अ डीमैग्नेटाइज मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटाइजेशन नहीं है उसमें. अगर मैग्नेटाइजेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? बी इज इक्वल टू जीरो एंड एच इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो. तो ग्राफ पे ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है वो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से हम इंक्रीज करेंगे? वी विल बी अलाउिंग करंट टू फ्लो, और धीरे धीरे उसको क्या करेंगे? नोट करेंगे. तो नाउ लार्ज वैल्यू ऑफ एच द इंड्यूस्ड फ्लक्स डेंसिटी इन द मटेरियल स्टार्ट्स सैचुरेटिंग. मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब हम मैक्सिमम करंट फ्लो करवाते हैं तो वो धीरे धीरे तो पहले इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है मटेरियल, बट यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे आता है कि यहाँ पे वो इंक्रीज होना रोक देता है, वहां पे वो क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है. ओके उसके बाद जिस तरह से सैचुरेशन होने के बाद वी ट्राई टू रिड्यूस द एच, ये जो एच है ये हमने क्या किया? इसको रिड्यूस किया जीरो तक. मतलब करंट हमने इसको वापस जीरो तक लेके गए. ओके करंट जीरो तक लेने की वजह से क्या होगा? इंड्यूस्ड फ्लक्स डेंसिटी जो है वो क्या होगा? जैसा जीरो से लेके ऊपर बढ़ गया था, यहां से यू कैन सी हियर, तो उस तरह से ये कम होते हुए सेम रूट फॉलो नहीं करेगा. नाउ इट इज हैड डिफरेंट रूट, मतलब ये हैव डिफरेंट वैल्यूज. तो यहाँ पे आके वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म पे क्या होगा? रुक जाएगा. मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके वो सॉलिनॉइड में या वो कॉइल में रह जाएगा व्हेन वी आर डीमैग्नेटाइजिंग इट. इतना समझ में आया आपको? ओके सो इसको हम बोलेंगे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, और जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म है वो कॉइल के अंदर. अभी इससे हम क्या करने वाले हैं, जिस तरह से करंट का डायरेक्शन था पहले केस में, अभी हम इस करंट के डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे. कैन यू सी दिस? नाउ वी विल हैव द डिफरेंट से डायरेक्शन, और वी कैन से डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो डेफिनेटली पोलैरिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा, एंड वी विल ऑल्सो हैव द डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा. इतना क्लियर हुआ सबको? परफेक्ट. तो अभी अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पॉजिटिव साइड में था ग्राफ पे, अभी वही स्ट्रेंथ आपका निगेटिव साइड में, मतलब ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा. नाउ यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा था कि डीमैग्नेटाइजेशन जो हम बोल रहे हैं वो डीमैग्नेटाइजेशन होते वक्त इसका जो पाथ है वो भी अलग रहेगा ना. ऑलरेडी हम अपोजिट डायरेक्शन में सप्लाई दे रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में उसको हम क्या कर रहे हैं, यहां तक लेके आ गए माइनस, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेशन तक लेके आए. जैसा हमने यहाँ पे लेके गए थे सैचुरेशन को, वैसे यहाँ पे सैचुरेशन को आए. आफ्टर दैट वी अगेन चेंज द सप्लाई टर्मिनल्स. यहाँ पे चार फोर टाइप ऑफ ट्रांजिशन हुए. एक हो गया जीरो से लेके सैचुरेशन तक, सैचुरेशन से लेके रेसिडुअल मैग्नेटिज्म तक, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से लेके निगेटिव साइड के सैचुरेशन तक, और फिर अभी हम लोग देख रहे हैं निगेटिव साइड से एच आर दैट इज इंक्रीज इन द फेनोमेना. सो अभी ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हिस्ट्रेसिस जो है वो क्या हो रहा है, ये जो लूप बन रहा है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट फोकस ऑन द लेजर पॉइंटर, यहां से लेके फिर यहां से रेसिडुअल मैग्नेट, फिर देन निगेटिव साइड अपोजिट सैचुरेशन से लेके
अगेन पॉजिटिव साइड सैचुरेशन। तो ये जो फ्लो है ये आपके कॉइल में एक सेकेंड में 50 टाइम्स होता है। कैन एनीवन जस्ट टेल मी द रीजन 50 टाइम्स क्यों एक सेकेंड में? यस, फ्रीक्वेंसी आदित्य, परफेक्ट। सो 50 हर्ट्स हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और 50 हर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक सेकेंड में 50 टाइम्स ऐसा मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होता है। तो आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सर ये 50 बार अगर ऐसे होता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल कैसे रहता है? हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेबल व्हेन वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। तो ये लूप के अंदर जितना एरिया है, ये लूप के अंदर जितना एरिया है, दैट एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉसेस। तो यहाँ पे जितना एरिया आपका ज्यादा बढ़ेगा उतना आपके लॉसेस जो है वो बढ़ने वाले हैं। सो वी आर फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग और मिनिमाइजिंग द एरिया विच इज कवर्ड बाय दिस हिस्टेरेसिस लूप और हिस्टेरेसिस कर्व। तो हिस्टेरेसिस कर्व में जितना कम एरिया आपका रहेगा उतना आपको मैग्नेटिक मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है, उसका जो फील्ड है, उसका आपको बेनिफिट होगा। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है, व्हाट विल बी द प्रोबेबल सॉल्यूशंस? तो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि ये जो कर्व है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग मटेरियल को अलग अलग कर्व हमें मिलता है। तो अगर कर्व अलग है तो उसके अंडर आने वाला एरिया जो है वो भी अलग होगा। अभी वो एरिया अलग है तो उसका इफिशियंसी भी अलग होगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज द मटेरियल विच विल बी हैविंग द लेस लॉसेस। तो ऐसे कौन से एग्जांपल्स है हमारे पास? जो सबसे बेस्ट है वो है सिलिकॉन स्टील। तो सिलिकॉन स्टील की वजह से क्या हो सकता है, आपका जो लॉसेस है वो कम हो सकते हैं। ओके, तो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस मैग्नेटाइजेशन कर्व। सिलिकॉन स्टील का मैं आपको ये दिखा देता हूँ कर्व किस तरह से दिखता है, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कैन यू सी हियर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, कोहेसिव फोर्स, एंड दिस इज द एल्निको। एल्निको इज लाइक यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट, ये तीनों का ये अलॉय रहता है, और यहाँ पे यू कैन सी हाउ मच एरिया इज एक्यूमुलेटेड बाय दिस। सो व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, द ओरिजिनल स्टेट इज नॉट रिटर्न, सो वी हैव टू सी दैट वेदर दिस टाइप ऑफ मटेरियल विल बी हेल्पफुल फॉर अस और दे आर गोइंग टू कंज्यूम आवर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं क्या, वो देखना है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हिस्टेरेसिस लूप या मैग्नेटाइजेशन कर्व को हम इस्तेमाल करते हैं हमारे मटेरियल के सिलेक्शन के लिए। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हर बार मोटर के लिए हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना रहता है, वी नीड टू यूज इट फॉर सम रिले या फिर कुछ स्पेशल पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे शायद हमें ज्यादा एरिया जिसमें है वो मैग्नेटिक मटेरियल भी रिक्वायर्ड हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी अहेड कि अभी ये मटेरियल को हमने मैग्नेटाइजेशन किया है, इसका लॉसेस जो है वो हमें देखना है या ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी हम ये मैग्नेटिक मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे तो आई कैन सेंड यू वन लिंक अबाउट माई अदर कोर्स, दैट इज मशीन वाइंडिंग। तो मशीन वाइंडिंग में क्या होता है कि आपका जो मैकेनिकल डिवाइसेस आपने देखे होंगे, लाइक यू नो मैकेनिकल, उनका जो ओवरऑल आउटर जो स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल आउटर स्ट्रक्चर, जैसे ट्रांसफॉर्मर आपने मैकेनिकली देखा होगा कि वो आपके सबस्टेशन में लगा रहता है, या फिर आपके इसमें क्या बोलते हैं इसको, पोल माउंटेड सबस्टेशन पे लगा हुआ रहता है, तो आपने उसको मैकेनिकली देखा है, बट उसके अंदर क्या होता है, अंदर वो कॉइल किस तरह से काम करता है, अंदर कॉइल का
मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, तो उसका मैं आपको एक वीडियो का लिंक देता हूँ सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है. सो वहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक मटेरियल्स का, ये जो भी हम सीख रहे हैं उसका इस्तेमाल होता है. तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस हिस्टेरेसिस लॉस. तो हिस्टेरेसिस लॉस में क्या होता है, फर्स्ट ये साइक्लिक लॉस है, एनर्जी लॉस होता है उसमें. जो एरिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एरिया ऑफ द बीएच कर्व गिव द अमाउंट ऑफ पावर लॉस. तो जितना कम रहेगा उतना हमारा लॉसेस क्या रहेगा, कम रहेगा. देन वी हैव एडी करंट लॉस. एडी करंट लॉस क्या है, अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें से करंट अगर फ्लो हो रहा है, वो करंट शायद इंड्यूस होके भी फ्लो हो सकता है, और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करेगी, वो मटेरियल के अंदर ही EMF क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द रिलेटिव मोशन. तो रिलेटिव मोशन भी है हमारे पास एंड वी हैव मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, ये एडी करंट लॉस जो है उसको कम करना चाहिए. सो वी हैव टू डू द स्टैम्पिंग्स. मतलब एक पर्टिकुलर आपके पास समझो मटेरियल है, जैसे कि अभी मेरे पास ये बुक है, तो ये बुक कैसा है, अभी सॉलिड दिख रहा है आपको, राइट? ये सॉलिड बुक है. अभी इसको बना कैसा है, ये नंबर ऑफ पेजेस से बना है. कैन यू सी, मेरा कैमरा ऑन है क्या? हाँ, यस. सो ये बना है पेपर से, बहुत सारे पेपर है उसमें. तो जिस तरह से ये पेपर्स बना के एक साथ आपको ये बुक का थिकनेस समझ में आ रहा है. आई थिंक दिस इज अ बेटर वे. ओके, तो इतने सारे पेपर्स का मिला के ये बुक का थिकनेस बन रहा है. या फिर अगर इतना बड़ा मेरे पास एक सिंगल पुट्टा होता या सिंगल पेपर इतना जाड़ा होता, तो क्या है उसमें एडी करंट लॉस ज्यादा होते. अभी यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल लेयर्स है. तो सेम कंसिडर करना है आपको, जैसे PPT में दिखाया गया है. तो ऐसे हम क्या करते हैं, लेयर्स में हमारे मैग्नेटिक मटेरियल को लैमिनेटेड स्टील कोर्स में चेंज करते हैं, जिसकी वजह से एडी करंट लॉसेस जो है वो कम हो जाते हैं. ओके, सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही. जस्ट मार्क योर अटेंडेंस इन द लिंक गिवन.